स्कॉलर का फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एनसीपीआई की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। एनसीपीआई कैसे वेरीफाइड होगा वो मैं लेकर के आया हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीपीआई को वेरीफाइड कैसे किया जाता है। तो स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में, और मैं लकी सर आज आपको बताने जा रहा हूँ एनसीपीआई वेरीफाइड कैसे होता है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल प्रण कर लीजिए, आपको स्कॉलरशिप पाना है, बस इसके लिए आपको सही से फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और सबमिट करना है। यदि उसके बाद भी एरर आएगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि उस एरर के लिए आपको क्या करना है। जैसे पिछले साल बहुत से बच्चों के स्कॉलर नहीं आए, उनके स्कॉलर के स्टेटस में एरर लिख करके आए, तो जब एरर लिख करके आया मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था और मैंने उन लोगों को रिप्लाई करके उनकी हेल्प किया कि आपको कैसे क्या करना है, और उसके बाद 90% बच्चों की स्कॉलर आ गई। तो आप लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है और फॉर्म को अच्छे से वहां पर कॉलेज में सबमिट करना है। तो कॉलेज में सबमिट करने के बाद का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप फुल प्रोसेस करेंगे, आप अच्छे से वर्क करेंगे, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। इस साल स्कॉलरशिप पाना इतना आसान नहीं होगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना जितना मुश्किल पड़ रहा है उससे ज़्यादा मुश्किल है इस साल स्कॉलरशिप पाना। लेकिन यदि आपके फॉर्म में कोई भी एरर आता है तो आप उसमें कमेंट करके बताइए, आप किसी भी वीडियो पे मेरे कमेंट करके बताइए, आप इंस्टाग्राम में हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आपकी स्कॉलर को लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं सारे वीडियो मैं पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में मैं प्राइवेसी लगा करके रखता हूं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी वीडियो नहीं देख पाएंगे। यदि आपके फॉर्म में बाद में कोई एरर आ रहा है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है वो वीडियो मैं प्राइवेसी लगा करके पोस्ट करूं तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एनसीपीआई को वेरीफाइड कैसे किया जाता है। बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट करके पूछा सर एनसीपीआई से रिलेटेड वीडियो बनाइए। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहीं पर एनसीपीआई लिखा हुआ है और कहीं पर एनपीसीआई लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही है, बस मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको बस ये समझना है कि एनसीपीआई वेरीफाइड कैसे होगा। तो एनपीसीआई को वेरीफाइड करने के लिए तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं एनपीसीआई तक आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद एनपीसीआई में ग्रीन टिक नहीं लगता है, तो आप पहले 24 से 48 घंटे का समय ले लीजिए। 24 से 48 घंटे में अपने आप एनपीसीआई वेरीफाइड हो जाता है। यदि फिर भी वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसके बाद क्या करना है, लेकिन पहले आप 24 से 48 घंटे तक वेट करेंगे, पहले आप परेशान नहीं होंगे कि पहले ही आप परेशान हुए जा रहे हैं एनपीसीआई वेरीफाइड नहीं हो रहा है, आपने हमें कमेंट करके आप भी परेशान और हमें भी कमेंट करके और पब्लिक को भी परेशान कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म भरते समय आपको जब एनपीसीआई तक आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना है। 24 से 48 घंटे वेट करने के बाद में भी यदि एनपीसीआई वेरीफाइड नहीं होता है तो आपको अपनी बैंक पासबुक लेनी है और अपना आधार कार्ड लेना है। यदि आपका पैन कार्ड बना है तो आप पैन कार्ड लेंगे और आप सीधे अपने बैंक जाएंगे और बैंक में आप सबसे पहले वहां पर अपना बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करेंगे और उनको बताएंगे कि सर मैं स्कॉलर का फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, मेरे स्कॉलर के फॉर्म में एनपीसीआई एक्टिवेट नहीं है, तो सर प्लीज आप एनपीसीआई को एक्टिवेट कर दीजिए। आप जब पूरी बात बोलेंगे कि सर एनपीसीआई को एक्टिवेट करना है, आप अकाउंट एक्टिवेट कराएंगे तो एनपीसीआई एक्टिवेट नहीं होगा, आप केवाईसी कराएंगे तो एनपीसीआई एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन आप जब वहां पर बोलेंगे कि मुझे एनपीसीआई एक्टिवेट करना है तो एनपीसीआई एक्टिवेट करने के लिए हो सकता है कि बैंक आपकी दोबारा से केवाईसी करे, लेकिन अगर आपकी केवाईसी हो चुकी है तो नॉर्मली आपका एनपीसीआई एक्टिवेट वहां से कर दिया जाएगा। लेकिन एनपीसीआई वहां से एक्टिवेट होने के बाद यहां पर तुरंत ग्रीन टिक नहीं लगेगा, तो ग्रीन टिक कब लगेगा, जब आपका एनपीसीआई एक्टिवेट हो जाएगा उसके 24 से 48 घंटे बाद ही ग्रीन टिक लगेगा।
तो जब ग्रीन टिक लग जाएगा उसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप पाना ही है, आपका उद्देश्य है, आप बिल्कुल मन बना लीजिए कि हमें स्कॉलरशिप पाना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट करके बताइए, आप हमें बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप दिलाने में मैं बिल्कुल 100% आपकी मदद करूंगा। पिछले साल भी मैंने बच्चों की मदद किया था, आप लोग में से उसमें से कुछ लोग होंगे जो जानते हैं कि मैंने किस तरीके से आपको हर इरर में, जब उसका आप स्टेटस चेक करते हैं तो उसके हर इरर में मैंने आपको मदद किया था कि आपको क्या करना है, किस इरर के लिए आपको कहाँ से सॉल्व मिलेगा। उसके बाद बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, सर आपने जो सॉल्व दिया था उससे मेरी स्कॉलर मेरे खाते में आ गई है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों की भी स्कॉलर आ जाएगी, बस विधिवत काम करना है, विधिवत फॉर्म भरना है और विधिवत ही फॉर्म को जमा करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आगे मैं बताऊंगा कि फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, जब फॉर्म आपका कॉलेज में जमा हो जाता है उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी आपका वर्क होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है वो मैं आपको उसी समय बताऊंगा जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। तो आपको मैं फिर से बता देता हूं कि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो वो वीडियो वही लोग देख पाएंगे जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं बताने वाला हूं कि स्कॉलर की और कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी और उस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा, एजुकेशन से जुड़ी हुई हर समस्या के लिए फ्यूचर SUP टेक्निकल पावर आपके लिए तैयार है, लकी सर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप कमेंट करके बताइए और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है, अच्छे से फॉर्म को जमा करना है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको कौन सी प्रॉब्लम आएगी फॉर्म जमा करते समय, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।